रायसेन के बेगमगंज में एसडीएम सौरभ मिश्रा, एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव और टीआई संतोष सिन्हा ने बेगमगंज की न्यू बिल्डिंग का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से अव्यवस्थाओं पर चर्चा की और अस्पताल में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों से इलाज की जानकारी ली। बीते दिनों बेगमगंज अस्पताल में मरीजों और डॉक्टर्स के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने काम बंद कर दिया था और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। इस विवाद के चलते बेगमगंज पुलिस ने 2 आरोपियों पर मामला दर्ज किया था। आज एसडीएम, एसडीओपी और टीआई ने अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल के स्टाफ और बीएमओ डॉक्टर दिनेश गुप्ता से विस्तार से चर्चा की। न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद से मरीजों और प्रबंधन के बीच विवाद बढ़ गया है। एसीएन भारत संवाददाता राशिद मीर ने निरीक्षण के दौरान एसडीएम सौरभ मिश्रा, एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव और टीआई संतोष सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एसीएन भारत से क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। बीते कुछ ही दिनों विवाद को लगते हुए आज शासकीय सिविल अस्पताल में एसडीएम सौरभ मिश्रा, एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव और अगर बात कर दिया टीआई संतोष सिंह निरीक्षण करने शासकीय सिविल अस्पताल पहुँचे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सबसे कुछ बीते कुछ ही दिन पहले काफ़ी हंगामा देखने को मिला था और इस अस्पताल प्रबंधन से कुछ विवाद हो गया था, जिसको लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट है और ऐसे में निरीक्षण करने पहुँचे हैं एसडीएम सौरभ मिश्रा और उनके साथ राजस्व विभाग की टीम भी पहुँची है। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करी जाए तो पूरे पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि पुलिस की टीम भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, राजस्व विभाग की टीम भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। और मैं बात करूँ अगर पूरे सालक प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर मौजूद है, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा विवाद हो गया था और हड़ताल पर जाने के का अल्टीमेटम भी यहाँ के डॉक्टरों ने दिया था। और हालांकि ऐसे में 2 आरोपियों पर आरोपी बनाए गए थे और उन पर FIR कर ली गई है, जिसको लेकर आज SDM सौरभ मिश्रा अपने दलबल के साथ शासकीय सिविल अस्पताल पहुँचे हैं। उन्होंने निरीक्षण भी किया है और मैं जिक्र कर दूँ कि काफ़ी मरीजों से भी बातचीत कर रहे थे, ऐसे में बातचीत करते हैं। सर, निरीक्षण करने पहुँचे हैं आप, क्योंकि बीते कुछ ही दिन पहले एक हंगामा देखने को मिला था, हालांकि पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 2 लोगों पर FIR भी कर दी थी, सर क्या पाया सर निरीक्षण में? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि शासन ने इतना अच्छा नया अस्पताल हमारे बेगमगंज को दिया है, ये एक बहुत बड़ा उपहार है। लेकिन चूंकि अभी अभी ये हैंडओवर हुआ है और यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फिट किए जा रहे हैं और ये संक्रमण का काल भी है, तो आज SDOP साहब, TI साहब, तहसीलदार साहब और जो राज्य शासन से जो एक समिति है, संस्थान सुरक्षा, चिकित्सा संस्थान सुरक्षा समिति, उसके सभी सदस्यों ने यहाँ एक सुरक्षा ऑडिट किया और हम लोगों ने हमारे डॉक्टर साहब, BMO साहब के साथ देखा कि कहाँ कहाँ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ कैमरे लगने चाहिए, कहाँ सुरक्षा के और अन्य प्रबंध करने चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, तो ये सारी जगह का निरीक्षण किया और कुछ चीज़ें फिक्स की, कुछ SOP बनाई कि हम किस स्थिति में क्या करेंगे। और आशा है कि ये चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी मिलेंगी और उसके साथ हमारे जो स्वास्थ्य के चिकित्सक हैं, पैरामेडिक्स स्टाफ हैं, उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। जैसा कि लगातार कलेक्टर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था, ऐसे में लगातार मैं भी देख रहा हूँ, लगातार आप भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अमूमन जो देखा जा रहा है सुरक्षा गार्ड की अगर बात कर ली जाए, कहीं ना कहीं जो स्टाफ्स की अगर बात हो रही है, जिसको लेकर काफ़ी हंगामे भी हुए थे, आपने पत्र लिखा है सर क्या? बिल्कुल, हम लोग भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड या अन्य कर्मचारी जो यहाँ नहीं हैं, मेडिकल स्टाफ नहीं हैं, उनकी व्यवस्था की जाए। अपनी तरफ से भी लिख रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके, अनुरोध करके यहाँ व्यवस्था कराने की कोशिश करें। SDOP से भी बात करने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ TI संतोष सिंह भी मौजूद हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से देखते हैं, अभी लगातार मैंने देखा है हंगामा किया था और ऐसे में आपने लगातार तत्परता दिखाते हुए 2 लोगों को आरोपी बनाया था और ऐसे में आपने निरीक्षण भी किया है, और क्या खास तैयारी की है पुलिस प्रशासन? हम यही कर रहे हैं कि डेली हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जो है यहाँ पे राउंड लेती रहे और यहाँ के स्टाफ को सुरक्षा देना हमारा परम कर्तव्य है और उन्हें पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे, हम लगातार पेट्रोलिंग करवाते रहेंगे। साथ ही यहाँ पे नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को भी परमानेंट यहाँ 4 घंटे 6 घंटे के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, ताकि वो मरीजों को प्रॉपर लाइनिंग करवा सकें, डॉक्टर्स को पूरी सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है और हम इसको पूरा करेंगे। सर, पुलिस पेट्रोलिंग की काफ़ी चैलेंजेस आपके सामने हैं, लेकिन आप लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, ऐसे में क्या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आपके द्वारा भी पत्र लिखा गया, जैसा कि सर जिक्र किया जा रहा था CCTV कैमरे के फुटेज भी आप कलेक्ट कर रहे थे, क्या पूरा मामला था और ऐसे में निरीक्षण करने आप पहुँचे?
सिक्योरिटी को लेके मैंने भी बीएमओ साहब को पत्र लिखा और यहाँ पे हमारे एसडीओपी साहब के माध्यम से भी हम लोग लगातार अवगत कराते रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ पे हमें एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैमराज की आवश्यकता है। ये सारी जगह हमने बताई भी हैं और आज एसडीएम साहब के साथ में निरीक्षण करके ये चीज़ें पुनः उन्हें दोहराई गई हैं जिससे सिक्योरिटी और प्रभावी हो सके। एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव जी एसीएन भारत के साथ हैं, बात करते हैं सर। निरीक्षण लगातार पुलिस प्रशासन का और लगातार एसडीएम सौरभ मिश्रा जी की बात कर ली जाए, राजस्व विभाग की सारी टीम, ऐसे में कहीं ना कहीं चैलेंज देखने को मिल रहा है सर, पुलिस पर ज़्यादा चैलेंज देखने को मिल रहा है, कोई भी हादसा होता है चूँकि जो एलिगेशन लगते हैं वो भी पुलिस पर लगते हैं, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है लगातार पुलिस प्रशासन और आप भी लगातार मूवमेंट के साथ साथ बराबर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और विजिट भी कर रहे हैं सर। ये लगातार जो कानून व्यवस्था की स्थितियाँ निर्मित होती हैं उसको लेके आज हम लोग अस्पताल का सिक्योरिटी ऑडिट करने आए हैं। सिक्योरिटी ऑडिट में हम लोगों ने ये देखा कि क्या क्या मेन यहाँ की समस्याएं हैं। मेन जो सबसे ज़्यादा समस्या हमने महसूस की, यहाँ पे अस्पताल में जो स्टाफ है उसकी कमी है, मरीज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मरीज और उनके परिजनों को चाहिए है कि अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर्स का सहयोग करें, धैर्य ना खोएं, उनके साथ सहयोग बना के रखें जिससे अधिक से अधिक मरीजों का उपचार हो सके। इसके अलावा एक चीज़ और हमने यहाँ पे देखी, जो पार्किंग स्पेस है यहाँ पे मेन रोड पे लोग अपनी मोटरसाइकिल टू व्हीलर खड़ी करके जा रहे हैं, इमरजेंसी में एम्बुलेंस के आने जाने का रास्ता बना रहे, इसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे एक व्यवस्था दी है जिससे एम्बुलेंस आ जा सके और कोई किसी को बाधा उत्पन्न ना हो। सिक्योरिटी में कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना है ये हम लोगों ने स्थान चिन्हित किए हैं और अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स को ये एश्योरेंस दिया है कि पुलिस और प्रशासन उनके साथ में है, उनको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है और प्रशासन उनकी मदद में हमेशा खड़ा हुआ है। एशियन भारत के दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, जैसे आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या क्या मरीजों को चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है? मरीजों को अस्पताल स्टाफ का पूरा सहयोग करना है क्योंकि स्टाफ की कमी है, मरीज इस समय क्योंकि ये सिक्स सीजन चल रहा है, बीमारी का मौसम चल रहा है, मरीज भी जो हैं उनको भी इलाज की आवश्यकता है, सस्ते सुलभ उपचार के लिए वो यहीं बेगमगंज में सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, उसके लिए उनके लिए भी आर्थिक रूप से अच्छा है तो अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स का वो सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बेगमगंज में ही उनको अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये कहना सर मरीजों और स्टाफ डॉक्टर्स का कॉम्बिनेशन जरूरी है सर? निश्चित रूप से अस्पताल का स्टाफ और मरीज के परिजनों के बीच में कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा तो नेचुरली यहाँ पे अच्छा उपचार संभव हो सकेगा। साहब जैसा कि कह रहे थे जो साहब, कॉम्बिनेशन अगर मरीज और डॉक्टरों के बीच रहेगा तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, इसी को लेकर निरीक्षण किया है एसडीएम सौरभ मिश्रा जी। लगातार राजस्व विभाग की टीम, अगर पुलिस विभाग की बात कर ली जाए तो पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे में निरीक्षण के दौरान कई खामियाँ भी पाई गई हैं जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन से उन्होंने बात जरूर की है। कैमरामैन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन।